नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डाइव न्यूज में। ब्रिटेन से चीन के बीच पहली मालगाड़ी लंदन के एक्सेस से रवाना हो गई। यह मालगाड़ी 7,500 मील की दूरी तय करेगी और 17 दिन बाद चीन के झेजियांग शहर के यूबी शहर में पहुंचेगी, जिसमें 30 डब्बे होंगे, जिसमें विस्की, सॉफ्ट ड्रिंक और विटामिन की दवाइयां होंगी। यह मालगाड़ी फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान से होकर गुजरेगी। यह सेवा चीन के प्राचीन सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसकी शुरुआत के रूप में 3 महीने पहले से ही चीन से ब्रिटेन एक मालगाड़ी भेजी गई थी। चीन से मालगाड़ी में घरेलू जरूरतों के सामान, कपड़े, सूटकेस और बैग आदि थे। आपको बता दें कि अभी दोनों देशों के बीच समुद्री रास्तों से सामान भेजा जाता है, तो उसे मालगाड़ी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। लंदन यूरोप का 15वां शहर है जिसे चीन का रेल मार्ग संपर्क हुआ है। आपको बता दें कि 2000 साल पहले सिल्क रूट के जरिए पश्चिमी और पूर्व के बीच कारोबार होता था। यूरोप और चीन के बीच साल 2016 में 40,000 कंटेनर सामान का आयात और निर्यात हुआ। 2020 तक इसे 1,00,000 कंटेनर करने का लक्ष्य रखा गया है।